हाय फ्रेंड्स, आज हम बचे हुए चावल से ऐसा नाश्ता बनाएंगे कि आप जानबूझकर हर रोज़ ये चावल को बचाएंगे और ये नाश्ता ज़रूर बनाएंगे। तो चले, आप सबका स्वागत है आशा की किचन में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कप जितना बचा हुआ चावल लिया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने सुबह का बचा हुआ चावल लिया था। अब हमें यहाँ पर एक कप जितना कच्चा चावल लेना है। अब हम यहाँ पर मिक्सी में लगाने से पहले 3 से 4 घंटे पहले इस चावल को हमें अच्छे से भिगो कर रखना है। ये देखिए, अब मैंने एक कप जितना चावल लिया है, इसे अच्छे से वॉश कीजिए। फिर आप इसमें थोड़ा सा पानी डालते हुए 3 से 4 घंटे तक भिगो कर रखना है। ये देखिए, ये अच्छे से भीग चुके। अब हमें यहाँ पर एक मिक्सी जार लेना है। इसमें अब हमें यहाँ पर एक कप जितना चावल लेना है बॉईल किया हुआ, और एक कप जितना कच्चा चावल जो हमने भिगो कर रखा था इस चावल को लेना है। इन दोनों को मिक्स करते हुए इसमें आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने इसमें पानी डाला है, और इसे अच्छे से हमें पीस कर लेना है। ये देखिए, ये कितने अच्छे से पीस कर रेडी हो चुका है। अब इसे बिल्कुल भी दरदरा सा नहीं पीसना है, एकदम फाइन पेस्ट बना कर लेना है। ये देखिए, अब मैं एक बाउल में इसे निकाल कर ले रही हूँ। इसी तरह आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो और भी चावल को आप अच्छे से मिक्सी में पेस्ट बना कर लीजिए। अब हमें यहाँ पर आधा चम्मच जितना नमक डालना है। ये देखिए, बॉईल किया हुआ चावल में पहले से ही नमक रहता है, इसलिए आप देखकर नमक को डालिए। आप अपने स्वाद अनुसार नमक डाल सकते हैं। ये देखिए, अब मैंने यहाँ पर शाम के समय इसे पीस कर लिया था। हमें ओवरनाइट इसे फर्मेंटेशन होने के लिए रख देना है। अब मैंने इसे सुबह के समय निकाल कर लिया है। अब हमें यहाँ पर नारियल की चटनी बनाएंगे। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप जितना नारियल लिया था, 1/4 कप जितना हमें धनिया पत्ती लेना है। उसमें मैंने यहाँ पर 3 से 4 हरी मिर्च डालना है। अब हमें इसमें डालना है 1/2 चम्मच से थोड़ा सा कम हमें यहाँ पर जीरा डालना है। 7 से 8 आप कली लहसुन के डाल सकते हैं, नहीं तो आप तड़के में भी डाल सकते हैं। ये देखिए, अब हमें यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक डालना है और हमें अभी इसे अच्छे से पीस कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से मैंने ये नारियल की चटनी बना कर ली है। अब हम यहाँ पर एक बाउल में निकाल कर लेंगे। अब हमें इसके ऊपर से तड़का देंगे। इस तड़के को हमें बनाने के लिए 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल डालना है। अब हमें यहाँ पर करी पत्ता डालना है। उसके बाद मैंने यहाँ पर 1/2 स्पून जितना सरसों डाला है। आप चाहे तो इस तड़के में लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर नहीं डाला है। ये देखिए, अब हमें इसको तड़का दे देना है। अब ये नारियल की चटनी अच्छे से बन कर रेडी हो चुकी है। अब हमें यहाँ पर ये डोसा बना कर लेना है। यहाँ पर मैंने सेट डोसा बनाया है इसका। अब हमें यहाँ पर नॉनस्टिक का कोई भी एक तवा लेना है, इसे गर्म होने के लिए रख देना है। उसके बाद आप गर्म हो जाने के बाद थोड़ा सा इसके ऊपर पानी छिड़किए और इसे अच्छे से पोंछ कर लेना है। अब हमें यहाँ पर थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल को अप्लाई करना है, और हमें एक मेजरमेंट के साथ इसमें डायरेक्टली छोड़ना है। इसे बिल्कुल भी आपको स्प्रेड नहीं करना है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये बन कर रेडी हो चुका है। इसे बनाने के लिए ज़्यादा समय बिल्कुल भी नहीं लगा है, और ये कितने आसान तरीके से हो चुका है आप देख सकते हैं। फिर से मैंने इस तवे को अच्छे से पोंछ कर लिया है। अब हमें थोड़ा सा ऑयल लगाना है, और इसी तरह हमें एक कप जितना हमें इसमें इस बैटर को डाल देना है। ये देखिए, एक 2 से 4 मिनट तक अच्छे से इसे एक ही साइड से हमें अच्छे से इसे सेक कर लेना है। ये देखिए, ये डोसा कितने अच्छे से बनकर रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं इसे बनाना कितना आसान है, और आपके बचे हुए चावल भी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। और ये बिल्कुल पैसा वसूल नाश्ता बनने वाला है, तो एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए और मुझे कमेंट करके बताएं ये रेसिपी कैसी बनी है।
अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।